क्लास 9th के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 1 है सेल, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ सेल चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन आंसर के भी बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास 9th के बायोलॉजी में जो डिस्कस करेंगे वह है सबसे पहले कि आप लोगों को क्लास 9th के स्टूडेंट्स जितने भी हमने अभी तक आपको पढ़ाया है सारे बायोलॉजी के कंटेंट को अपने बायोलॉजी के फेयर कॉपी बनाएं और उसमें हर एक कंटेंट को लिखें। दूसरी बात, आप एक फ्लो चार्ट ले लें, पेपर लें A4 साइज का, और चार्ट पेपर लेने के बाद में प्रोजेक्ट वर्क को परफॉर्म करने का काम करें। मिस डैट, आप सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि चार्ट पेपर लेने के बाद डायग्राम ड्रॉ करना है, किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। मिस डैट, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ड्रॉ करें, उसके बाद में आप बायोलॉजी का फियर कॉपी बनाएं और एक स्कूल के द्वारा जो एक निश्चित तिथि जो घोषित किए जाएंगे आपके फेयर कॉपी चेक करने के लिए और प्रोजेक्ट वर्क के लिए, मिस डैट आप उस तिथि को क्या करें कि आप यह डायग्राम और फेयर कॉपी को स्कूल में सबमिट कराएं और आप पेरेंट्स के द्वारा आप अपने कंटेंट को यानी बायोलॉजी के फेयर और प्रोजेक्ट वर्क को भिजवा दें। फिर आपका चेकिंग होने के बाद में आपको फिर से दोबारा से क्या होंगे कि आपको जो है सो आपका प्रोजेक्ट वर्क रिमार्क के साथ चेक किए हुए और आपको नोटबुक फिर से आपके पेरेंट्स के ही द्वारा भिजवा दिए जाएंगे। इसलिए आप उस पे जो है सो फेयर कॉपी पे अपना नाम, क्लास और मोबाइल नंबर जरूर जो है सो उस पे क्या करें तो अंकित करने का काम करें। चलिए आज के ऑनलाइन क्लास की बात करेंगे तो कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जाने जाते हैं, अगर आपसे हम अगर एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का यह क्वेश्चन पूछ दे कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया, आपसे अगर हम क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछ दे कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जाने जाते हैं क्यों? क्योंकि इनके पास में खुद का अपना जो होता है वह डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। मींस दैट माइटोकॉन्ड्रिया जो खुद का अपना डीएनए, आरएनए और प्रोटीन रखने के कारण यह सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से यह माइटोकॉन्ड्रिया जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से क्यों जाने जाते हैं, मिस डैट कहेंगे कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के पावर हाउस इसलिए नाम से पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी और एटीपी जो इनर्जी करेंसी है, मतलब एटीपी इज द इनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मिस डैट कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल के भी नाम से जाने जाते हैं और साथ ही साथ या एटीपी जो हमारे इनर्जी का एज अ बायोलॉजिकल यूनिट है, तो इसलिए एटीपी को स्टोर करके यानी इनर्जी को या स्टोर करके रखने का काम करते हैं कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ ही साथ इनर्जी को या सिंथेसाइज भी कराने का काम करते हैं कौन? करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। इसलिए यह माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम से जाने जाते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करेंगे एटीपी के फुल फॉर्म का तो कहेंगे ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस का तो कहेंगे कि राइट थ्री फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, अगर आपसे यह 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाए 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कि लाइसोसोम के फंक्शंस, 3 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करें, तो हम कहेंगे कि लाइसोसोम का जो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वह क्या क्या हैं? तो सबसे पहले लाइसोसोम जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं, एक होता है इंटरसेलुलर और एक होता है इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के बाहर का जो मटेरियल्स को जो डाइजेशन करने का काम करेंगे
मतलब सेल के बाहर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो डाइजेशन करने का काम करेंगे वह लाइसोसोम करेंगे, एज ए फंक्शंस के रूप में करेंगे। अगर हम बात करेंगे कि जब सेल बर्स्ट कर जाते हैं और लाइसोसोम जो अपना हाइड्रोलाइटिक पावरफुल इंजाइम जो हमारे डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं मतलब उनका वर्किंग करते हैं, तो यह सेल बर्स्ट करने के बाद डिस्ट्रॉय होने के बाद एज ए वेस्ट मटेरियल्स के रूप में भी होते हैं, और इस वेस्ट मटेरियल्स यानी सेल के वेस्ट मटेरियल्स को डिस्पोज करने का, बाहर रिमूव कराने में भी एज ए फंक्शनेबल फॉर्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का जो काम करते हैं वह लाइसोसोम करते हैं। अगर हम बात करेंगे लाइसोसोम का, तो यह लाइसोसोम जो सेल के ब्रेकडाउन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं, मीन्स दैट सेल का ब्रेकडाउन जो सेल डिवीजन प्रोसेस के दौरान होते हैं एज अ डिवीजन ऑफ लिवर के फॉर्म में होते हैं, उसमें भी यह लाइसोसोम एज ए इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के रूप में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन जो प्रोड्यूस आउट होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के एंटीजन की सहायता से, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस, और इन सभी एंटीजन को डाइजेस्ट करने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वह लाइसोसोम करते हैं, और सेल को एक एज ए डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देने का काम करते हैं उस एंटीजन के इन्फेक्शन प्रोड्यूस होने के अगेंस्ट। नेक्स्ट अगर और लास्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कि राइट टू फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के दो फंक्शन को लिखे, तो हम कहेंगे कि द टू मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स आर एज फॉलोज। दो फंक्शन वैक्यूल्स के जो होंगे वह क्या है कि वैक्यूल्स जो वाटर को बैलेंसिंग करने का काम करेंगी, और साथ ही साथ यह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स को भी बैलेंस करके स्टोर करके रखने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह वैक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप के हमारे वेस्ट मटेरियल्स को भी स्टोर करके रखने का काम करेंगे, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो यूजफुल टाइप का मटेरियल्स हो गए जो हमारे वैक्यूल्स में स्टोर रहेंगे, और वाटर बैलेंसिंग। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होंगे मतलब बाई प्रोडक्ट जो होंगे वह भी हमारे क्या होंगे तो स्टोर होंगे, कहाँ पे होंगे, वैक्यूल्स में होंगे, जो क्या परफॉर्म करेंगे तो वैक्यूल्स के मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।